हेलो। आज के दिन पढ़ाई कर रहे हो, अब ये चैप्टर मैंने कल करा दिया था, ठीक है, बट वो वीडियो में इशू आया कुछ। तो करते हैं, दोबारा सम करते हैं, कुछ जल्दबाजी नहीं करेंगे। चैप्टर का नाम है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। फिर आगे हाइफन लगा कर लिखा हुआ है रूरल, फिर लिखा हुआ है रूरल, ठीक है। तो यहाँ पर तीन चीज़ें समझने वाली हैं, और तीन चीज़ें क्या क्या हैं, इनको सेल्फ गवर्नमेंट क्या है। दूसरा, पहले इतना सा मीनिंग समझना है, फिर पूरे टर्म का मीनिंग समझना है, फिर समझना है रूरल वर्ड है ये, रूरल वर्ड है ये, रूरल वर्ड है ये, रूरल वर्ड है ये किस के अटैच किया गया है, ठीक। सेल्फ गवर्नमेंट। और फिर एक और टर्म फिर इसमें अगर मैं कॉइन करूँ क्या चीज़ है। छोटी वीडियो बनाऊंगा लेकिन फिर आप बेसिक की वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। मैं तीनों टर्म का मीनिंग पता है। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मतलब क्या? कैन आई यूज गूगल अगर मैं डेफिनेशन से पढ़ाना चाहूँ तो? चलो, गूगल ओपन नहीं हो रहा, अभी मना हो गया। तो प्रॉब्लम ना आए क्योंकि हैंग हो रहा है। दोनों ही मीनिंग इम्पोर्टेंट है। गवर्नमेंट का मतलब क्या कहता है? गवर्नमेंट मतलब कुछ नहीं, ग्रुप ऑफ पीपल। गवर्नमेंट मतलब अगर अपन कैबिनेट, अगर अपन कैबिनेट, अगर अपन कैबिनेट, अगर अपन कैबिनेट, अगर अपन कैबिनेट वर्ड सुना तो कैबिनेट जो होता है ना, उस कैबिनेट एट आई थिंक वो होते हैं, एट आई थिंक वो होते हैं मिनिस्टर 28। तो वो क्या ग्रुप ऑफ ही तो है, वो ग्रुप ऑफ पीपल जिसको हेड करते हैं पीएम, प्रेसिडेंट है ना, स्टेट के अंदर सीएम। तो गवर्नमेंट मतलब क्या? ग्रुप ऑफ पीपल। रूल और कंट्रोल, रूल और कंट्रोल अथॉरिटी। अब इस रूल को और कंट्रोल को, हमें कंट्रोल करते हैं। हमें कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे इसका मतलब है जो कंट्री के अंदर होने वाले एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। तो गवर्नमेंट मतलब क्या? ऐसे लोगों का ग्रुप जो कंट्री को कंट्रोल करते हैं, गवर्न करते हैं। तो गवर्न का मतलब कंट्रोल भी समझ सकते हो, ठीक है। कंट्रोल का मीनिंग आप गवर्न भी, तो
तो ग्रुप गवर्नमेंट मतलब क्या है, लोगों का ग्रुप, लोगों का ग्रुप करते हैं और एक नीचे गवर्नमेंट का मतलब एक और चीज़ होता है, उस एक्टिविटी को भी हम गवर्नमेंट बोलते हैं जहाँ से गवर्न वर्ड आया है। तरीका किसी कंट्री को कंट्रोल करने का, तो सर वो किसी कंट्री को कंट्रोल करने का तरीका कहाँ से आएगा, सर वो इन लोगों के थ्रू आएगा, इसलिए दोनों ही गवर्नमेंट के मीनिंग है। तो गवर्नमेंट का मतलब क्या, ग्रुप ऑफ पीपल हु रूल द कंट्री, हु रूल द कंट्री, सही डेफिनेशन। क्योंकि मेरे को कंट्री, क्योंकि मेरे को कंट्री जो वर्ड है ना, कंट्री, ये वर्ड मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट था। ये तो एक गवर्न, ये तो एक गवर्नमेंट ऑफ, जो गवर्नमेंट मतलब जो कंट्री को कंट्रोल करे, जो कंट्री को कंट्रोल करे, ज़्यादा बड़ा हो गया क्या ये, जो कंट्री को कंट्रोल करे। पर टेल मी वन थिंग, क्या कंट्री को कंट्रोल, कंट्री को एवरी को पूरे इंडिया को कंट्रोल करना, इंडिया को कंट्रोल करना इजी रहेगा? ऐसा उसके अंदर बहुत सारे हैं, बहुत सारे स्टेट्स आते हैं, स्टेट्स को भी कंट्रोल करना होगा। सर स्टेट्स तो बात ठीक है आपके, ऐसे मैंने बना रखा है चार्ट ऑलरेडी कर, ठीक है। उसके अंदर सर, उसके अंदर सर, उसके अंदर सर, उसके अंदर बहुत सारी स्टेट्स आती हैं, स्टेट को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट आती हैं, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट आती हैं, डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिटीज आती हैं, टाउन्स आते हैं, विलेजेस आते हैं। तो हर लेवल पर अगर आप करोगे, आप सर ये समझ नहीं पाओगे, चलो सिस्टम लेके चलो। सर बेसिकली स्कूल के हेड कौन होते हैं, प्रिंसिपल, आप यहाँ पे उनको ट्रस्ट, आप यहाँ पे उनको सिस्टर कह सकते हैं, ठीक है। तो क्या पूरे स्कूल को संभालने के लिए फिर प्रिंसिपल ही होते हैं? हर क्लासरूम में वो क्लास टीचर ही बैठा देते हैं, हर क्लास में क्लास टीचर ही बैठा देते हैं। तो चीज़ों को ऊपर ऊपर से, आप एक इंसान पूरी बड़ी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो क्या, कि मैं पूरे स्कूल के 300 बच्चों को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, लेकिन 300 बच्चों रूटीन ना, मैं रूटीन ना, मैं 10 टीचरों को दे देता हूँ, तो हर टीचर 30 बच्चों को कंट्रोल करेगी। तो मेरे को 300 बच्चे एक साथ कंट्रोल नहीं करने पड़ेंगे, मेरे को 30 टीचर कंट्रोल करने पड़ेंगे। एक टीचर 10 बच्चों को, एक टीचर 10 बच्चों को कंट्रोल कर लेगी, मैं उन 10 टीचरों, वो 30 बच्चों को कंट्रोल कर लेगी, हर एक टीचर 30 टीचरों को, मैं 30 टीचरों को कंट्रोल करूंगा, ठीक है। अगर मैंने 30 बच्चे, अब मैं 30 टीचरों के कंट्रोल कर, 10 टीचर से कंट्रोल कर, 10 टीचरों के थ्रू मैं 300 बच्चों को कंट्रोल कर लूंगा, ठीक है। तो ऐसा ही होता है। पीएम मोदी एक एक कंट्री को, एक एक गली को कंट्रोल नहीं कर सकते, ना ही उन पर नजर रख सकते। तो उन्होंने इतने सारे मिनिस्टर्स बैठा रखे हैं, सारे ऑफिसर बैठा रखे हैं, मतलब पूरे सिस्टम को, पूरे इंडिया कंट्री को गवर्न करते हैं, है ना। जैसे इंडिया के लिए अगर एज अ होल, अगर इंडिया की होती है, तो ऊपर ऊपर के लेवल पर हो गए हमारे सीएम, या सॉरी पीएम, मैं भी क्या बोल रहा हूँ, पीएम, ठीक है। के लेवल पे होगा डीएम, 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 ठीक है। फिर यहाँ पर आते हैं इस चैप्टर का, छोटे छोटे लेवल पे भी तो कोई होना चाहिए, छोटे लेवल पे भी तो कोई होना चाहिए गवर्नमेंट गवर्न करने के लिए। तो देखो अगर यहाँ पे गवर्नमेंट, अगर यहाँ पर पीएम मोदी ने, अगर यहाँ पे योगी आदित्यनाथ ने अपने लोगों को यहाँ पे अगर अपॉइंट कर दिया है, तो इसको बोलेंगे लोकल गवर्नमेंट, इसको क्या बोलेंगे, लोकल गवर्नमेंट। भीम सेप्टर का टाइटल, भीम सेप्टर का टाइटल समझने के बाद, टाइटल समझने के बाद उसने लिखा था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो मैंने सेल्फ को हटा दिया। तो लोकल गवर्नमेंट इज अ मैकेनिकल गवर्नमेंट, इज अ मैकेनिकल गवर्नमेंट, इज अ मैकेनिज्म, या फिर लोकल गवर्नमेंट इज अ सिस्टम। सर सिस्टम क्यों ला रहे हो बार बार यहाँ पे, या फिर लोकल गवर्नमेंट इज अ मेथड, मेथड यहाँ पे मेथड वर्ड लिखा हुआ है ना। तो लोकल गवर्नमेंट इज अ मेथड थ्रू विच गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इसे बोलते लोकल एरिया, इसे लोकल गवर्नमेंट एरिया, इसे लोकल गवर्नमेंट एरिया, इसे लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं। लोकल एक छोटे एरिया को, डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे गाँव होते हैं, मैं भी जो 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 200 300 या 100 200 लोगों के जो ग्रुप, लोकली लोगों को, लोकल के लोगों को अपॉइंट करने के लिए अगर गवर्नमेंट कोई अपने ऑफिसर्स को, ऑफिसर को अपॉइंट कर देती है, तो इस तरह के सिस्टम को बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट ने लोकल एरिया में किसने नहीं अपॉइंट किया, 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 गांव के लोगों ने मिलकर ही कुछ लोगों को इलेक्ट कर लिया कि नहीं आप लोग हो पहचान के, आप हमारी जान पहचान के, आप लोग हमारे परंपरा से समझते हो, गवर्नमेंट नहीं समझती, आप लोग हमें सबसे समझते हो, करो आप लोग हम लोगों, आप लोग हम लोगों, आप लोग हम लोगों को गाइड करो, ठीक है। गवर्नमेंट ने अपने इंसान ही बैठा ले, गाँव के कुछ लोग ही
एज अ लीडर वहाँ पे खड़े हो गए गांव की प्रॉब्लम करने के लिए, सॉर्ट करने के लिए, गांव को कंट्रोल करने के लिए। तो उसको बोलते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। खुद ही हम नहीं लोग, 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 खुद ही हम अपने गांव को कंट्रोल करें। इसलिए वर्ड आया सेल्फ, इसीलिए वर्ड आया है सेल्फ। गांव से ही निकल के एक इंसान अपने गांव को कंट्रोल करेगा, अपने गांव के लोगों की हेल्प करेगा। इसलिए इसको बोलते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, रूरल क्यों बोला सर? रूरल क्यों बोला सर? रूरल क्यों बोला गया? क्योंकि जो एरिया कह जाते हैं इनको रूरल एरिया, वो अब इस लेवल पर अलग गवर्नमेंट होती है, इस लेवल पर अलग होती है, इस लेवल पर अलग। इनको बोलते हैं तीनों को मिला टीयर सिस्टम, थ्री टीयर सिस्टम, थ्री टीयर सिस्टम। ठीक सिस्टम, ठीक सिस्टम, ठीक सिस्टम, ठीक सिस्टम। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, आप समझ गए चैप्टर का टाइटल, समझ गए रूरल क्यों बोला जाता। अभी हम रूरल एरिया की बात बात करेंगे, विलेज की बात करेंगे। ठीक है, चलो आते हैं चैप्टर का टाइटल। के आदमी यहाँ पर गवर्नमेंट के आदमी बैठे होते, 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 यहाँ पीएम मोदी, योगी आदित्यनाथ, यानी प्रॉपर गवर्नमेंट के लोग अगर हमारे बोलेंगे लोकल होगा तो उसको बोलेंगे लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, लेकिन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या होता है कि सर गवर्नमेंट के आदमी नहीं है, हमारे ही गाँव के लोग हैं, हमारे ही यहाँ के लोग हैं। ठीक है, जो हमें अपॉइंट कर रहे हैं, इनका गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है सर, ऐसे के तो सर ऐसे के तो सर ऐसे केस में गवर्नमेंट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता? गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होता है, गवर्नमेंट हमें कि तुम गांव के लोगों के पास पैसा नहीं आएगा, तुम्हें स्कूल वगैरह भी चाहिए होंगे, तो गवर्नमेंट हमें ग्रांट देती है। पटना है पंचायत सिस्टम, 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 पटना है पंचायत का तीन सिस्टम पंचायत, गाँव में ग्राम पंचायत, उसके ऊपर का जो लेते हैं जिला परिषद, जिसको बोलते हैं जिला परिषद, पंचायत समिति वहाँ पे, और एक सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, सॉरी जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद। ठीक है, इनके सब के मीनिंग फंक्शन हमें समझने हैं। पढ़ते हैं जरा, पढ़ते हैं जरा। We have the central government. We have the central government to look after the interest of whole country. बिल्कुल। While we have state government to manage state administration. दोनों से मैंने यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर इस वाले चार्ट में PM यानी central government पूरी पूरी कंट्रोल करने के लिए, पूरी कंट्रोल करने के लिए, स्टेट मिनिस्टर यानी चीफ मिनिस्टर के लिए। ठीक है, ठीक है, वो लिखा हुआ है यहाँ पे। एट द लोकल लेवल वी हैव लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। सर यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट की तो बात नहीं लिखी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ही ज़्यादा होता है इंडिया में। ठीक है, बट एट द लोकल लेवल सेल्फ गवर्नमेंट विच, सेल्फ गवर्नमेंट विच मैनेज लोकल अफेयर्स थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लोकेलिटी, यानी वो रिप्रेजेंटेटिव हमारे यहाँ से निकल के, रिप्रेजेंटेटिव मतलब लीडर समझ लो। आपको रिप्रेजेंटेटिव का अच्छा मीनिंग समझाया होगा, अब बार बार मैं चीज को रिवाइज नहीं करा सकता। ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हैज दस बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द थ्री टीयर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, और इस तरह से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक इंटीग्रल पार्ट हो जाता है थ्री टीयर, क्योंकि वो थ्री टीयर सिस्टम ऐसे बनते हैं। मीनिंग ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बहुत ईजी लगेगा आपको, मैंने समझा दिया ओरली आपको। अपने गांव के इंसान सेलेक्ट कर लिया हमने, और वो क्या करेगा? मैनेजिंग द अफेयर, वो क्या करेगा? आपके गांव के अफेयर्स को मैनेज करेगा, आपके लोकल अफेयर्स को मैनेज करेगा, और प्रोवाइड कराएगा बेसिक एमिनिटीज, और आपको बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा। एमिनिटीज मतलब क्या? फैसिलिटीज। उसके पास जो अपना पैसा, के पास जो अपना पैसा, के पास जो अपना पैसा जो खर्च करेगा, वो अपना पैसा कुछ खर्च नहीं करेगा, उसको अपना लीडरशिप शेयर करेगा आपके साथ, अपने बाकी की फाइनेंशियल हेल्प होगी, उसके लिए गवर्नमेंट हमें ग्रांट देगी, उसके लिए गवर्नमेंट उसको ग्रांट देगी। ठीक है, इन अ रूरल एरिया, इन अ रूरल एरिया सच एज इंस्टीट्यूशन कॉल्ड पंचायत, वो कैन रूरल एरिया में ऐसे इंस्टीट्यूशन को, ऐसे ग्रुप को हम पंचायत बोलते हैं। म्यूनिसिपैलिटी कहते हैं, तो वो जगह जगह पे अलग अलग टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाती है। ठीक है, नॉर्मल प्लेस चेंज हो जाती है। लोकल गवर्नमेंट एंड लोकल, हो लोकल गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मीनिंग समझा रहे हैं आपको। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्वाइट डिफरेंट,
फ्रॉम लोकल गवर्नमेंट। इन लोकल गवर्नमेंट, अब लोकल गवर्नमेंट को डिस्क्राइब कर रहे हैं इन लोकल गवर्नमेंट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑफिशियल ऑफिशियल्स अपॉइंटेड बाय द स्टेट। अंडरलाइन कर लेना सेंड को, यहाँ पर ऑफिशियल्स अपॉइंट करके भेजती है, अपॉइंट करके भेजती है, अपॉइंट करके भेजती है यहाँ पे लोगों को। और ऐसे लोगों को क्या मिलती है? सैलरी। ऐसे लोगों को सैलरी, गवर्नमेंट लोगों को सैलरी देती है काम करने के लिए, लेकिन जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होते हैं वहाँ पर कोई सैलरी नहीं देते उनको, वहाँ पर तो गवर्नमेंट से ग्रांट मिलती है बस। सर सर इन ऑफिसर्स के अंदर कौन कौन आते हैं? दे इंक्लूड पटवारी, पुलिसमैन, ऑफिसमैन, विलेज चौकीदार एंड द विलेज पोस्टमैन। ठीक है, ये सारे सर्विसेज प्रोवाइड सर्टेन सर्विसेज, ये जो ऑफिसर्स हैं कुछ ना कुछ सर्विस लोकल पीपलों को प्रोवाइड इन द मैनेजमेंट। उनका मैनेजमेंट से कोई संबंध नहीं होता है, आपको सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे। ऐसी लिखा हुआ ना बेसिक एम्यूनिटीज, तो आपको बेसिक एम्यूनिटीज प्रोवाइड कराएंगे ये लोग, मैनेजमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये लोकल गवर्नमेंट की कमियाँ, लोकल गवर्नमेंट की कमियाँ, लोकल गवर्नमेंट की कमियाँ, लोकल गवर्नमेंट की कमियाँ हैं। सेल्फ गवर्नमेंट क्या हो गया? अब यहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात आ गई। ये कंसिडर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सर, ये हम ही इनको सिलेक्ट करते हैं। दे रिसीव सैलरी ना गवर्नमेंट, दे रिसीव गवर्नमेंट ग्रांट फॉर देयर एक्टिविटीज लाइक सैनिटेशन, सफाई के लिए, एजुकेशन के लिए, कोई डिस्प्यूट वगैरह हो गया उसके लिए। ठीक है सर, मतलब कोई लड़ाई झगड़ा होगी तो मैं पैसे दे के लड़ाई पैसे देती ना ना पैसे देती ना ना। अब गांव में कुछ लोगों के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया, ठीक है, तो वो कोई एक इंसान से ऐसा नहीं कर सकता। गांव के जो बड़े लोग होंगे ना, चार वर्ष ना हो, उधर कभी अपने वर्ष ना हो, उधर कभी अपने वर्ष ना हो, तो पाँच लोग मिलेंगे तो एक जगह पे इकट्ठे होंगे, उस जगह पे कुछ चाय पानी तो करेंगे करेंगे तो उस चीज़ों के लिए। तो वहाँ पे जब सेटलमेंट के लिए, जब डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए बैठेंगे तो वहाँ पे थोड़ा बहुत खर्चा होगा, वहाँ पे थोड़ा फर्नीचर, वहाँ पे थोड़ा फर्नीचर, वहाँ पे थोड़ा फर्नीचर वगैरह भी इस्टेब्लिश करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो उसके लिए पैसे प्रोवाइड दैट लोकल पीपल, दैट लोकल पीपल, दैट लोकल पीपल, दैट लोकल पीपल गवर्न देम, यानी कि लोकल ही लोग अपने आप को गवर्न करते हैं, वही अपने आप को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आप तो खुद ही समझ जाओ कि आपकी सिग्निफिकेंस है। इंस्टीट्यूशन, दिस इंस्टीट्यूशन, दिस इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड द फाउंडेशन, फाउंडेशन सबसे लोअर, सबसे प्रोवाइड द फाउंडेशन, प्रोवाइड द फाउंडेशन, प्रोवाइड द फाउंडेशन, प्रोवाइड द फाउंडेशन ऑन विच द एंटायर डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। ऑफ चार्ट में दिखाया, चार्ट में दिखाया, चार्ट में दिखाया, चार्ट में दिखाया, ये ब्लेज सबसे नीचे आता है ना, ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सबसे नीचे आता है, ये सबसे बेसिक फाउंडेशन है ये। अगर यही स्ट्रांग नहीं होगा कैसे हो जाएगी हमारी स्ट्रांग, कैसे हो जाएगी और ये कैसे हो जाएगी और ये कैसे हो जाएगी, और ये दिक्कतें भी हमारी इंडिया कमज़ोर है क्योंकि हम उसको लेवल, हम उसको लेवल, हम उसको लेवल, हम उसको ग्रोथ दे नहीं रहे हैं। हम तो छिक करते जा रहे, करते छिक करते जा रहे, करते जा रहे, करते जा रहे, गाँव में तो अभी तो पढ़ाइयाँ हैं ही नहीं, गाँव के लोगों का फैसिलिटीज हैं, गाँव के लोगों का फैसिलिटीज हैं, गाँव के लोगों का फैसिलिटीज हैं नहीं। दीज इंस्टीट्यूशंस मेक इट, मेक make it possible for local people to take interest in their own affairs and groom them well to take। अब जो local government है, local self government है, ये लोग हैं जो लोग ध्यान रखने वाला, ध्यान रखने वाला, ध्यान रखने वाला, ध्यान रखने वाला, ध्यान रखने वाला। The local institutions provide training, the local institutions यानी जो local self government होती है वो उनके लिए training program conduct करती हैं। ठीक है, फॉर लोकल एक्सपीरियंस, सच एक्सपीरियंस, सच एक्सपीरियंस फॉर अंडरटेकिंग बिगर चैलेंजेस, ताकि बाद में आगे आगे बढ़ सकें, उसके लिए उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, परफॉर्म फिर नेशनल लेवल पर से परफॉर्म, फिर नेशनल लेवल पर से परफॉर्म, फिर नेशनल लेवल पर से परफॉर्म कर सकें। सभी के लिए लोकल पीपल नो देयर प्रॉब्लम्स होंगे, किस 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 होंगे, किसका चोरी वाला निचार है भी या नहीं। ठीक है, वहाँ पर ये नहीं कहेंगे अदालत गवाह मांगती है, अरे गवाह कहाँ से लेके हैं वो लोग, ना चोरी होगी तो हो गई। तो वहाँ पे लोग एक दूसरे को समझते हैं, तो वहाँ पे वो लोग अपना डिसीजन अच्छे से ले सकते हैं, बैठा देते हैं, ज़्यादा बैठा देते हैं, ज़्यादा बैठा देते हैं। ठीक है,
the local institutions encourage save the state of many unnecessary expenses. लोकल इंस्टीट्यूट होती है वो इनक्रेज करती है कि आप अपने हेल्प खुद से करो, अपने लिए खुद सर्विस दो, फिर गांव का इंतजेगा, ठीक है देगा, ठीक है वॉलंटियर सर्विस हो गई, सेल्फ हेल्प हो गई एंड सेव द स्टेट. अब क्योंकि गांव के इंसान के पास गांव को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, तब उसे अननेसेसरी क्योंकि उसको उतनी पैसा नहीं पूरा गाँव चलाना है. जैसे घर में हम अपने खर्चे कम करते हैं घर चलाने के लिए, अब हम पूरा गाँव चलाना है तो अपने नेसेसरी खर्चे कम कर देंगे. गांव में जो बेसिक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस गेन द सपोर्ट ऑफ लोकल कम्युनिटीज. लोग अच्छे अच्छे लोग होते हैं, जो अच्छे अच्छे लोग होते होंगे, जो जैसे लोग होते हैं उनका थोड़ा सपोर्ट उनको मिल जाता है. थ्रू दीज इंस्टीट्यूट कैन रीच ऑर्डिनरी सिटीजन टाइम्स ऑफ नीड लाइक नेशनल इमरजेंसी. मैंने आपको एग्जाम्पल दिया स्कूल वाला, ठीक है. प्रिंसिपल को सारे बच्चों की बात समझानी है. डोंट से किस कंट्री एज अ कंट्री एज अ कंट्री एज अ कंट्री एज अ कंट्री. क्या आपको लगता है पीएम मोदी को अगर की बात हर एक इंसान तक पहुँचे तो वो असेंबली कर पाएंगे? हाँ सर पॉसिबल है टीवी पर. व्हाट अबाउट दोज पीपल हु डू नॉट हैव टेलीविजन, जिनके घर में टेलीविजन नहीं है, टीवी ही नहीं है, मोबाइल. ऐसे किसान पीएम मोदी तो अपने पहुँचा ही नहीं पाएंगे, मन की बात मन तक पहुँचा ही नहीं पाएंगे पीएम मोदी अपनी. हर एक घर पे आके एक इंसान को नहीं बताना, वो गांव के लीडर को बुलाएंगे. ऑर्डिनरी सिटीजन तक पहुँच सकते हैं, ठीक है. नेशनल इमरजेंसी आ गई वो कह रहे हैं कि यहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है. मतलब क्या, यहाँ पे हर कोई लीडर नहीं बन सकता, ठीक है. यहाँ पे इंसान उसी को वोट देगा जिसको लोग अच्छे से जानते हैं, उसको जिसकी परफॉर्मेंस एरिया का लीडर सेलेक्ट कर लिया. अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी तो नेक्स्ट ईयर आपको सिलेक्ट करें ना, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है. तो आपकी परफॉर्मेंस वही लोग खुद जज कर सकते हैं. फर्स्ट सबसे पहले इसको पंचायती राज सिस्टम बोलते हैं. इसको तो सबसे स्टार्ट हुआ था राजस्थान के नागौर जगह में डेट याद रखनी है सबसे इनको, ठीक है. उसी साल दूसरी जगह पे भी ये हुआ था स्टार्ट आंध्र प्रदेश में, यानी आंध्र प्रदेश के गांव में भी. इवोल्यूशन आया इस सिस्टम में 24 अप्रैल 1993. सो क्यों, इस दिन एक एक्ट ही गवर्नमेंट ने लिया है. गवर्नमेंट ने एक्ट में लिया है कि हर गांव में एक पंचायती राज चाहिए, हर गांव में पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए. उसके अंदर 73rd टाइम अमेंडमेंट किया गया है ना. बनाने लगे, ठीक है. साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन के साइलेंट फीचर्स क्या क्या हैं? टू प्रोवाइड थ्री टियर सिस्टम ऑफ पंचायती राज, ठीक है. फॉर ऑल पॉपुलेशन, लक्ष्य के ऊपर पॉपुलेशन है तो उन्होंने 20 लाख लोगों तक कंट्रोल कर पाए तो कर ली. बीस लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन तो ना, केवल चीफ मिनिस्टर के ऊपर इतने सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी में डालो. हर लेवल पे तीन लेवल पे फिर गवर्नमेंट बैठा दो, एक गवर्नमेंट सिस्टम बना दो, थ्री टियर सिस्टम को बोलते हैं, ठीक है. अगर 20 लाख से तो पॉपुलेशन है तो हर साल हर 5 साल में उनके इलेक्शन होने चाहिए, यानी लीडर 5 साल बाद चेंज होते रहने चाहिए. शेड्यूल ट्राइब का वुमेन भी लीडर बन सकते हैं, उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड करो, ठीक है. ताकि वो बता सके पंचायत के पास, पंचायत के जो गवर्नमेंट के जो लोग उनके फाइनेंशियल पावर बताने के लिए एक मीटिंग ये सब
ये सब एक्ट में लिखा हुआ था, ठीक है। अ थ्री टीयर सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट फॉर रूरल एरियाज केम इनटू इफेक्ट इन अप्रैल 1993, उस एक्ट के बाद ही इफेक्ट में आया। देयर वर द पंचायत एज विलेज लेवल, वहाँ पर पे ब्लॉक समिति एंड डिस्ट्रिक्ट समिति, तीन सिस्टम हो गए, एक दो तीन, ठीक है। वहाँ पर नॉर्मन किचन जो वो बोलने का तरीका है, बोलने का तरीका है, कोई डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बोल रहा है, कोई जिला परिषद बोल रहा है, ठीक है। तो ये नॉर्मन किचन स्टेट टू स्टेट चेंज होता रहेगा, कोई लोग कुछ बोलते हैं, कोई लोग कुछ बोलते हैं, आपको पता है। बट द बेसिक स्ट्रक्चर मीन्स थ्री टीयर वन है ना, थ्री टीयर वन स्टार्टिंग फ्रॉम दिस और लास्ट की ब्लेस से 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 और लास्ट में जो कि छोटे छोटे गांव में होते हैं और खत्म जाके होगी वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ठीक है। हिंग करेगी नहीं करेगी, मेहनत बहुत जाती है, दूसरे वाले पढ़ा चुका हूँ। अगर आप हैंग करें कसम से मैं थर्ड टाइम पढ़ा नहीं पाऊँगा इतनी एनर्जी के साथ, इतने इंटरेस्ट के साथ। चलो, प्रे फॉर द बेस्ट।